गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम श्यामलता शर्मा फ्रॉम KSN हाई स्कूल। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु है जो डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे की तरफ कितने डिस्टेंस कवर करती है, 20 किलोमीटर, कितने टाइम में, इन 2 आवर्स, 2 घंटे में। एंड अपस्ट्रीम ऊपर की तरफ कितना डिस्टेंस कवर करती है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 2 घंटे में 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, स्टिल मतलब रुके हुए पानी में, एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो क्या निकालना है, एक तो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड क्या होती है, हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होती है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर, ये पूछा हुआ है, ये हमने क्या ले ली, x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ वाटर इज y किलोमीटर पर आवर। वाटर की कितनी ली है, y किलोमीटर पर आवर। अब टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी हमारी, x प्लस y किलोमीटर पर आवर। जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, जैसे हम ऊंचाई पर अगर साइकिल को चलाते हैं तो ऊपर जाने के लिए हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन जब हम नीचे की तरफ आते हैं ढलान की तरफ, वो तो एकदम से स्पीड में नीचे आ जाती है। ठीक है, तो डाउन मतलब नीचे की तरफ, हमें बिना पैडल मारे भी साइकिल आ जाती है नीचे, तो कम जोर लगाना पड़ता है, प्रेशर कम होता है, तो ये क्या आ जाएगी हमारी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम में, और अप में x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें क्या है, हमारी स्पीड क्या है, x प्लस वाई। क्या स्पीड है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर, टाइम क्या है 2, तो 20 अपॉन 2, 2 से डिवाइड हो गया, कितना आया 10। मीन जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या आ गई हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्या आई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड, जो अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई घटेगी और डाउन में बढ़ेगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब इसके अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन क्या है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या दे रखी है, इसमें स्पीड क्या हो गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है 4 किलोमीटर, टाइम क्या है 2 आवर्स, डिस्टेंस अपॉन टाइम 4 अपॉन 2, तो क्या आ गया 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये क्या हो गई सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, साइन कैसे सेम है, तो इनके साइन चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्टिंग। प्लस का क्या हो गया माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया x से x, प्लस वाई, प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 क्या आ गया हमारा 8, y आया 8 बाय 2, 2 4 जा 8, तो जो y स्पीड है कितनी आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। y किसकी स्पीड थी हमारी, स्पीड ऑफ दी वाटर, वाटर की स्पीड क्या आई है, क्या आई है वाटर की स्पीड हमारी 4 किलोमीटर पर आवर। अब किसकी निकालनी है, x की। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, आप फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, putting the value of y in equation first पे put करते हैं, x plus y की value क्या आ गई हमारी 4 is equal to 10, x क्या आ गया 10 minus 4 is equal to 6, तो x क्या आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड आई है, रोइंग वाटर की, और ये किसकी थी हमारी, स्टिल वाटर की। ठीक है, तो ये आप मेथड कोई भी अप्लाई कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन
मैथड। ठीक है, इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इसको एक बार दो तीन बार इसको करके देखें। ठीक है, ओके, थैंक यू।